नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी का पासपोर्ट तुरंत रद्द करने की मांग की है। उन्होंने विदेश की धरती पर दिए गए राहुल गांधी के बयानों को देश विरोधी बताया है, जो भारतीय नागरिक के तौर पर उनके आचरण को संदिग्ध बनाते हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें कही जिस पर बीजेपी की ओर से लगातार आपत्ति जताई जा रही है। अब नया मामला राहुल गांधी के पासपोर्ट से है, जिसे रद्द करने की मांग की जा रही है। दरअसल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है। सीपी जोशी ने पत्र में राहुल गांधी के पासपोर्ट रद्द करने के कारण भी बताए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान देश की आंतरिक स्थिरता, सीमाओं की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। विदेश की धरती पर भारतीय व्यवसायी के खिलाफ बयान देना देश की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर सिख समुदाय और खालिस्तानी एजेंडे को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों पर सवाल पूछे जाने पर राहुल का जवाब ना देना और पत्रकार से दुर्व्यवहार करना एक गंभीर मुद्दा बताया गया है। सीपी जोशी ने कहा कि राहुल गांधी को विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा देना चाहिए और यदि वह इस पद पर बने रहते हैं तो उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि राहुल गांधी भविष्य में विदेश में जाकर भारत विरोधी मुहिम चला सकते हैं, जो देश की शांति और विदेश नीति के लिए खतरनाक हो सकता है। सीपी जोशी ने भारत के संदर्भ में विदेशी जमीन पर बयानबाजी के पहले नेता विपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह कुछ बुनियादी तथ्यों को ध्यान में रखे, लेकिन राहुल गांधी ने स्वार्थवश और विदेशी ताकतों के प्रभाव में देश हित को ताक पर रख दिया है। राहुल की मंशा देश में स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने का है।